press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आतंकियों की सूचना से राजस्थान में हुआ अलर्ट, तेल लाइनों पर हमले की बनी आशंका। कांग्रेस के गले की हड्डी बना सट्टेबाजी का मामला, नेता प्रतिपक्ष पर हुआ हंगामा। बैंकिंग महा घोटाले के आरोपी का जयपुर से रहा है जुड़ाव, शाही पार्टियों का रहे हिस्सा, अब कानून ने कसा शिकंजा। सफेद हाथी बनी घाटे की शिकार शाही ट्रेन, कमाई के बजाय मुफ्त खोरी हुई उजागर। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान में आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली है, इसके बाद प्रदेश में पुलिस और खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। जानकारी मिली है कि आतंकी 2 की संख्या में हैं और राजधानी जयपुर में छिपे हैं। आशंका है कि शहर में घुसे आतंकी यहां से गुजर रही तेल लाइनों पर हमले कर सकते हैं। इस खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस के आला अफसर अलर्ट हो गए हैं और इसे लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल पिछले महीने ही जैसलमेर से एक पाकिस्तानी संदिग्ध नागरिक को एयरबेस में घुसपैठ करते पकड़ा गया था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई थी। पकड़े गए पाकिस्तानी हिंदू नागरिक का नाम पुरखाराम भील था, जिससे बाद में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ भी की। पुलिस के अनुसार आरोपित वायुसेना परिसर में घुसने का प्रयास कर रहा था, इसी दौरान वह सुरक्षा कर्मियों की नजरों में आ गया और उन्होंने उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से श्री गंगानगर में बना आधार कार्ड और पाकिस्तान का पासपोर्ट मिला था। गौरतलब है कि हाल ही पाकिस्तानी हसन खान भी दक्षिणी सीमा की तार बंदी कूद कर राजस्थान आया था। इसके अलावा कुछ माह पहले 3 युवक पाकिस्तान से जैसलमेर में उत्तरी सीमा की तार बंदी कूद कर आ गए थे। गांव वालों को संदेह होने पर तीनों को पकड़ लिया गया था। आतंकी पठानकोट एयरबेस पर हमले कर चुके हैं और सुरक्षा एजेंसियों की माने तो सीमा क्षेत्र के नजदीकी एयरफोर्स स्टेशन पर भी आतंकियों की हमेशा नजर रहती है। वहीं कुछ माह पहले पकड़ में आए पाकिस्तानी नागरिक हसन खान ने पूछताछ में बताया कि पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ कराने वाले कई गिरोह सक्रिय है। ऐसे ही एक गिरोह को उसने भारत की सीमा में प्रवेश कराने के लिए 5,000 रुपए दिए थे। अब जयपुर में 2 आतंकियों के होने की सूचना पुलिस प्रशासन के लिए सिर दर्द बन चुकी है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का कथित सट्टेबाजी वाला वायरल वीडियो कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। आज इस मुद्दे पर विधानसभा में सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा किया। गौरतलब है कि इस कथित वायरल वीडियो में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी बोल रहे हैं कि उपचुनाव के सट्टे में मेरे 3 करोड़ रुपए लगे थे, लेकिन बाद में डूडी ने सफाई दी कि यह बात एक मेरे दोस्त की थी। इस वीडियो में डूडी सट्टा बाजार में चल रहे उन भावों का जिक्र करते हैं जो चुनाव के वक्त जारी था। वे अलवर से लौटने का उल्लेख करते हुए सट्टे का वह दाम भी बता रहे हैं जो उनकी जानकारी में है। अभी एक बार मामले थे तो उसने पूछा था आपके वो धर्मेंद्र राठौर का वो कोई सट्टे वाले का है तो 5 पैसे बताया था अलवर का और 20 पैसे अजमेर 20 पैसे वो वोटर आते वोटों से ही बात करते सट्टे बाजार विश्वास करो तुझे सट्टे बाजार दो विश्वास करो अच्छा सारा कैमरा ऑन है आज आना को।
उधर आज विधानसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ समेत कई मंत्रियों और विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष को इस मुद्दे पर घेर लिया। प्रश्नकाल जैसे ही समाप्त हुआ, शून्यकाल में संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यह काफी बड़ा मामला है और इस कथित वायरल वीडियो मामले की जांच की जानी चाहिए। आज मेरे घर के अंदर मेरे ड्राइंग रूम और मेरे बेडरूम में वही जाएगा जो मेरे अति चिकित्सा व्यक्ति है। ये एक उनके अति चिकित्सा व्यक्ति ने उनसे इस तरह का मतदान करवा के और एक उनके इमेज को हमेशा के लिए बैंक कर। कांग्रेस के विधायक नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं बीजेपी के भी कई नेताओं की सीढ़ियाँ बनी हुई रखी हैं, क्या वो समय का इंतजार कर रहे हैं? तो मैं ये समझता, देखिए अब मैं किसकी सीढ़ी क्या बनी क्या नहीं बनी, अगर उनके पास कोई तथ्य है तो सामने लेकर आए, तो सीढ़ी में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। ये तो उजागर हमें तो मैंने तो चिंता व्यक्त की है क्योंकि इस वक्त लोकतंत्र के अंदर प्रतिपक्ष के नेता सदन का एक महत्वपूर्ण अंग है और मेरे तो मित्र भी हैं। वो चिंता तो होकर मैंने इस मामले को उठाया था कि वो अपनी स्पष्टता से अपनी बात को अगर कह देंगे तो पूरे राजस्थान के आम आवाम के पास सच्चाई दी जाएगी, इसमें जो और कोई हेतु नहीं था और कोई मत। वहीं संसदीय कार्य मंत्री के इस बयान के बाद सदन में हंगामा बढ़ गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को स्थगित किया, लेकिन जैसे ही दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो इस दौरान भी सत्ता पक्ष ने इस कथित वायरल वीडियो को लेकर चर्चा की। वहीं नेता प्रतिपक्ष से मांग की कि वह सदन में साफ करे कि इस कथित वायरल वीडियो में वह नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा कि सदन में मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं जो गलत है। मैंने वीडियो नहीं देखा, ना मेरे को वीडियो का पता और ना ही ऐसी कोई बात है, क्योंकि मैं एक सत्ता बजाज की उसमें बात की, ये तो सटोरियों का काम। भारतीय जनता पार्टी का आम नेता पैसे वाला और जिसके पास पैसा होता है वही सत्ता लगाता होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो लगाता है, लेकिन मुझे ये अंदेशा है क्योंकि सत्ते में पैसा चाहिए और पैसा हम लोग गाँव और खेत के आदमी हैं, हमारा हम मेहनत करके कमा के खाने वाले आदमी हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस षड्यंत्र करता है मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मेरे से कोई लेना ना कोई देना। वीडियो की जांच कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक, कह रहे हैं बीजेपी के भी कई नेताओं की सीढ़ी उनके पास पड़ी है, उनकी कोई सीढ़ियाँ हमेशा बनकर जा रही है। इस दौरान हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। कुल मिलाकर उपचुनाव में हार के बाद बैकफुट पर चल रही भाजपा को इस नए मामले में कांग्रेस पर पलटवार का मुद्दा मिल गया है। डूडी भले ही सफाई दे रहे हों कि सट्टे का यह जिक्र उनके दोस्त से जुड़ा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि इस अवैध काम की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने जनप्रतिनिधि का फर्ज निभाते हुए पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। देखना है कि कांग्रेस के आला नेता अब इसे लेकर क्या कदम उठाते हैं। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में फंसे डायमंड कारोबारी नीरव मोदी का जयपुर से खासा जुड़ाव रहा है। वे शाही अंदाज की दावतों में शामिल होते रहे हैं, लेकिन अब मोदी के जयपुर के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। पोलो खेल के शौकीन नीरव जयपुर में आयोजित हुए पोलो चैंपियनशिप में कई बार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं। आखिरी बार उन्हें पिंक डायमंड कप पोलो चैंपियनशिप के दौरान जयपुर में देखा गया था। वे यहां बतौर चीफ गेस्ट बुलाए गए थे। इस मुकाबले के समापन समारोह में नीरव के साथ जयपुर के पूर्व राजघराने की पद्मनी देवी ने भी उनके साथ मंच साझा किया था। इस खिताबी मुकाबले के बाद नीरव उस रॉयल पार्टी डिनर का भी हिस्सा बने थे जो सिटी पैलेस में आयोजित की गई थी। इस डिनर पार्टी में जयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य भी मौजूद रहे। नीरव मोदी के जयपुर राजघराने से भी गहरे रिश्ते हैं। सूत्रों के मुताबिक जब भी वे जयपुर आए उन्होंने पूर्व राजघराने के सदस्यों से मुलाकात की। नीरव खुद रॉयल फैमिली से हैं और उनकी जयपुर के साथ ही राजस्थान की अन्य रॉयल फैमिली से काफी नजदीकियां हैं। मोदी द्वारा किए गए पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के तार जयपुर से भी जुड़े हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने गीतांजलि ज्वेलर्स की राजधानी स्थित दो ठिकानों पर छापे मारे हैं। वहीं निदेशालय ने नीरव मोदी के जयपुर समेत देश के अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर 5100 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन और सीतापुरा स्थित गीतांजलि ज्वेलर्स निर्माण यूनिट पर छापे की कार्यवाही की है। गीतांजलि ज्वेलर्स सेबी में रजिस्टर्ड कंपनी है जिसके
सात ज्वेलर्स के शोरूम हैं। पीएनबी घोटाले में समूह के वित्तीय लेन देन संदिग्ध मिलने के कारण प्रवर्तन निदेशालय इसकी जांच कर रहा है। पीएनबी घोटाले के बाद 46 वर्षीय भारतीय डायमंड व्यापारी नीरव मोदी चर्चित बने हुए हैं। उन्होंने हीरे की दुनिया में डायमंड टाइकून के नाम से भी जाना जाता है। नीरव 2013 में भारतीय फौज की सूची में शुमार हो गए थे और वो बेल्जियम के हीरा कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। भारत में अपने मामा से डायमंड का प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने 1999 में फायर स्टोर नाम से एक कंपनी की स्थापना की। नीरव बेल्जियम को छोड़कर मुंबई लौटा है और अपने मामा मेहुल चौकसी से इस बिजनेस के गुर सीखे। अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी मार्केट में नीरव मोदी जाना माना नाम है। उनकी ज्वेलरी को कैंट, विंसलेंट और कार्ली क्लास जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्टारर सहित ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, सोनम कपूर और लीजा हेडन जैसी भारतीय अभिनेत्रियां ऑस्कर जैसे समारोह में पहन चुकी हैं। इनमें कई नीरव की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स और रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स सफेद हाथी बनती जा रही हैं। पर्यटकों के जरिए इन शाही ट्रेनों का मुनाफा बढ़ाने के बजाय रेलवे और राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अपने चहेतों को मुफ्त घुमाने का माध्यम बन गई है। यह तथ्य सामने आए हैं कि शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स और रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के कोच 5 साल में कभी पूरे नहीं भरे। वहीं इन ट्रेनों में 60% तक सीटें खाली रही। इसके बावजूद रेलवे एवं आरटीडीसी ने मुफ्त यात्रा कराना बंद नहीं किया और 345 लोगों को मुफ्त में यात्रा करवा दी। यह संख्या रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के 5 साल में कमाए गए मुनाफे से 6 गुना तक है। यानी आरटीडीसी की कमाई 1.5 करोड़ ही थी और मुफ्त यात्रा 10 करोड़ से ज्यादा की करवा दी गई। वहीं रेलवे ने 242 अफसरों को मुफ्त में यात्रा करवाई और इसके बावजूद संचालन के नाम पर आरटीडीसी से 116 करोड़ रुपए वसूल लिए। ज्यादातर मुफ्त यात्राओं में अफसर नेताओं के साथ उनकी पत्नी या कोई ना कोई परिजन भी गया। हाल ही में संसदीय कमेटी की एक रिपोर्ट में शाही ट्रेनों में होने वाली अफसरों की मुफ्त यात्राओं पर सवाल उठाए गए थे और इसे बंद करने को कहा गया था। गौरतलब है कि रेलवे एवं आरटीडीसी के बीच अनुबंध में शाही ट्रेनों के प्रत्येक टूर पर दोनों दो दो कॉम्प्लीमेंट्री यात्रा करवा सकते हैं। रेलवे ने 5 साल में 242 लोगों को मुफ्त में सफर करवाया, लेकिन इसके बाद भी आरटीडीसी ने रेलवे को 116 करोड़ का भुगतान किया। खाली सीटों को लेकर तर्क दिया जाता है कि कई देशों की ओर से अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करने से पर्यटकों की संख्या पर असर पड़ता है, इसके चलते सीटें खाली रह जाती हैं। उल्लेखनीय कि किसी बीमारी के फैलने या कानून व्यवस्था ठीक नहीं होने आदि के वक्त ही एडवाइजरी जारी की जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि पिछले 5 साल में कभी भी यह ट्रेन लाभ में क्यों नहीं रही। इसी साल 4 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा में पेश संसदीय कमेटी की टूरिज्म प्रमोशन रिपोर्ट में कहा गया था कि जब शाही ट्रेनों में आधी सीटें ही भर पाती हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेवल के नाम पर जनता के पैसे की बर्बादी क्यों की जा रही है। कमेटी ने इन ट्रेनों में दी जाने वाली इस सुविधा को खत्म करने की सिफारिश भी की थी। देखना है कि इस सिफारिश पर कब तक अमल हो पाएगा। राजसमंद में शुक्रवार को ट्रक और बस की भिड़ंत में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। यह हादसा ओवरटेक करने के प्रयास में हुआ। एक गंभीर घायल को उदयपुर रेफर कर दिया गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि भिड़ंत के बाद डंपर पलट गया और बस का एक तरफ का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यह दुर्घटना जब हुई जब एक प्राइवेट बस गुजरात के सूरत से राजस्थान में भीलवाड़ा के आसिंध जा रही थी। राजसमंद जिले में नेशनल हाईवे 8 पर कांकरोली के पास से यह बस निकल रही थी। पिपरडा बस स्टैंड के पास बस ने आगे चल रहे एक डंपर को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान अनियंत्रित हो जाने से बस डंपर से जा टकराई। पुलिस ने वहां पहुंचकर घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया। हादसे में 12 लोग घायल हुए। वहीं घायलों में एक की हालत नाजुक होने पर उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। दुर्घटना में मरने वालों में बड़ोदरा गुजरात निवासी मीराबेन मदनलाल और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं। अलवर जिले के गांव मुंडली में भोमिया बाबा मंदिर परिसर में चल रही खुदाई के दौरान 800 से ज्यादा तांबे के मुगल कालीन सिक्के निकले हैं। ग्रामीणों ने इन्हें सोने का समझ और चुपचाप उठा ले गए,
लेकिन जांच कराने पर पता चला कि ये तांबे के हैं, तो अधिकांश लोग कुल 801 सिक्कों को मंदिर में वापस दे गए। इस मामले की ग्राम पंचायत सरपंच को सूचना दी गई, लेकिन कोई भी इन ऐतिहासिक सिक्कों की जांच करने नहीं पहुंचा। इस वजह से अब तक करीब 79 सिक्के खुर्द पुर्द हो चुके हैं। बाकी बच्चे सिक्कों की सुरक्षा कर रहे ग्रामीण इन सिक्कों को हर रोज सुबह मंदिर में लाकर रख देते हैं और चोरी होने के डर से रात को वापस ले जाते हैं। इन सिक्कों पर फारसी में लिखावट है, जिनके मुताबिक इनकी ढलाई मुगल बादशाह हुमायूं और अकबर के शासनकाल में हुई। हुमायूं और अकबर की शाही टकसालें नारनौल, बैराट, आगरा और अजमेर में थी, जहां तांबे के सिक्कों की ढलाई की जाती थी। इन सिक्कों को दाम के नाम से जाना जाता था। हर सिक्का करीब 20 ग्राम वजनी और 3 से 4 सेंटीमीटर मोटाई में शुद्ध तांबे से ढला हुआ है। मुंडली स्थित भूमिया बाबा मंदिर परिसर में निर्माण के लिए यहां बने रेत के टीले को समतल करने के लिए खोदा जा रहा था। इसी दौरान जेसीबी मशीन के पंजे में मिट्टी के साथ एक मटका भी निकला। इसमें यह ऐतिहासिक सिक्के भरे हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला दिया है कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अपनी पत्नी, बच्चों सहित स्वयं की आय के स्रोत को भी उजागर करना होगा। अदालत ने गैर सरकारी संस्था लोक प्रहरी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति जे चिलमेश्वर की अध्यक्षता में पीठ ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव के लिए नामांकन भरने के दौरान स्वयं की आय के स्रोत का खुलासा करना होगा, साथ ही पत्नी और बच्चों की आय के स्रोत भी बताने होंगे। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। आतंकियों की सूचना से राजस्थान में हुआ अलर्ट, तेल लाइनों पर हमले की बनी आशंका। कांग्रेस के गले की हड्डी बना सट्टेबाजी का मामला, नेता प्रतिपक्ष पर हुआ हंगामा। बैंकिंग महाघोटाले के आरोपी का जयपुर से रहा है जुड़ाव, शाही पार्टियों का रहे हिस्सा, अब कानून ने कसा शिकंजा। सफेद हाथी बनी घाटे की शिकार शाही ट्रेन, कमाई के बजाय मुफ्त खोरी हुई उजागर। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।